आपका स्वागत है दोस्तों। शाम का समय हो रहा है, 3 से 4 बजने जा रहे हैं दोस्तों। बच्चे सब आएंगे घर, कोई ऑफिस से कोई स्कूल से, तो दोस्तों उनके लिए कुछ नाश्ता स्नैक वगैरह मैं बनाती हूँ। तो किस तरह बनाती हूँ मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए यहीं पर मैं चूल्हा रखी हुई हूँ, 1/2 kg के लगभग है। यहीं पर बादाम भी रखी हूँ, 1 पाव के लगभग मैं बना कर रखूँगी। सभी बड़े छोटे सभी को पसंद पड़ते हैं नाश्ता स्नैकर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर गैस जला चुकी हूँ, आँच को तेज करती रही हूँ और कढ़ाई को गर्म होने देती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गए दोस्तों, यहाँ पर मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल में स्नैकर बादाम उदाम चूड़ा जो बनिएगा उसका अलग टेस्ट आता है। तो मैं तेल डाल चुकी हूँ, देखिए तेल गर्म हो गई है। अब मैं यहीं पर एक साथ बादाम और मिर्चा एक साथ डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और दोस्तों यहीं पर मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, जो जैसा चाहिए। मिर्चा उड़े नहीं, ज़्यादा उड़े नहीं, नमक डालने पर सब काम हो जाते हैं, एक फुट नहीं उड़ेंगे। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चूड़ा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगी। आँच को तेज कर देती हूँ, इसको ऐसा करेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो फ्राई होते चल जाएगा दोस्तों। इस तरह का आँच को तेज कर दें, मैं डाल देती हूँ। इसमें भी मैं थोड़ा सा हल्का काला नमक डाल दूंगी और मैं डाल चुकी हूँ बादाम में। अब इसको अच्छी तरह से फैला फैला कर देखिए कितना अच्छा खिल रही है। चूड़ा भी फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मैं भूजा हुआ बादाम को इसी में कवर कर दूंगी और इसको मैं साथ में भून लूंगी। देखिए क्या मस्त बना है। और मैं चूल्हा को बंद कर देती हूँ। और दोस्तों इसमें मैं बाजार का जो स्नैक आता है उसको इसमें मैं मिक्स करूँगी और तब मैं आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों मेरा स्नैक आपको कैसा लगा? कुछ मार्केट से हर डिज़ाइन का मिल जाता है, कुछ घर में बनाया दोस्तों। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, किरण किचन का आपका रेसिपी आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद, बाय बाय।